हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नगर पालिका में जो बड़ी एक वैकेंसी आई हुई है 8वीं 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए। उसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सभी राज्यों के जो स्टूडेंट हैं ये भर्ती प्रक्रिया देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी आपको कितनी मिलेगी, कौन कौन से पोस्ट पर ये भर्ती प्रक्रिया होगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो सत्य जॉब है वही दिखाया जाता है। तो हम सबसे पहले आपको पोस्ट यहाँ दिखा देते हैं। ये सभी की सभी जो भर्ती प्रक्रिया है वो नगर पालिका से निकल रही है और यहाँ प्रथम आप यहाँ देख सकते हो 10 नंबर पे जो आपको पोस्ट मिल रही है सफाई कर्मचारी की, आपको पोस्ट मिल रही है नगर पालिका से। तो यहाँ बहुत सारी पोस्ट आपको मिल जाएगी और 100% हो सकता है इसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और वेतन यहाँ इसमें कुछ कम आपको दिखाई दे रहा है, 4900 से लेके 10680 रुपये प्लस ग्रेड पे आपको 1650 मिल जाएगा। और ये एक सरकारी नौकरी है, एक परमानेंट जॉब है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको वैकेंसी मिल रही है पियोन की, तो पियोन में भी आपको सेम वेतन दिया जाएगा। हेल्पर की वैकेंसी मिल रही है 8 नंबर पे, इसमें भी आपको वेतन है सेम दिया जाएगा, 10680 रुपये इसमें आपको वेतन दिया जाएगा। स्वास्थ्य सहायक की वैकेंसी है, इसमें आपका वेतन है वो भी जो है यहाँ रखा गया 4900 से लेकर 10600 ग्रेड पे आपको 1650 मिल जाएंगे। इसके बाद में मैट शिवल यानी कि मजदूर की यहाँ वैकेंसी मिल रही है जिसमें आपको यही वेतन मिलेगा 4900 से लेकर 10680 ग्रेड पे आपको 1650। इसके बाद में जो रोड रैंक ब्लेंडर हैं उनकी वैकेंसी मिल जाएगी, और इसके बाद में चौकीदार की वैकेंसी मिल जाएगी नगर पालिका में, और माली की वैकेंसी मिल जाएगी, मालिक कम चौकीदार और ब्लेंडर की वैकेंसी आपको मिल जाएगी। और माली और डिटेल्स यहाँ देख सकती हो, ये वेतन संबंधी डिटेल्स यहाँ आपको बताएगी इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। इसके बाद में जो यहाँ अलग पोस्ट निकल के आ रही है पंप ऑपरेटर की, पंप ऑपरेटर में आपको पंप ऑपरेटर की वैकेंसी मिल रही है, असिस्टेंट जो पंप ऑपरेटर है उसकी वैकेंसी मिल रही है, पंप ड्राइवर की वैकेंसी मिल रही है और ट्यूबवेल ड्राइवर की वैकेंसी मिल रही है यानी ट्यूबवेल संचालन की यहाँ वैकेंसी आपको मिल रही है। या ड्राइवर का अर्थ आप जो गाड़ी चलाने से नहीं लेना है, आपको यहाँ ट्यूबवेल ड्राइवर यानी जो ट्यूबवेल को ऑपरेट करते हैं उनकी वैकेंसी आपको मिल रही है, जिसमें आपको वेतन मिलेगा 5910 से लेकर 20200 ग्रेड पर आपको इसमें मिल जाएगा, वेतन हो जाएगा 17000 के समथिंग, तो अच्छा वेतन मिल रहा है। और इसी के साथ नेक्स्ट पोस्ट आपको मिल रही है असिस्टेंट लाइनमैन की, असिस्टेंट लाइनमैन की वैकेंसी के साथ आपको मिल रहे लाइनमैन की, और यहाँ वेतन संबंधी डिटेल्स भी बताई हुई विभाग ने कि आपको वेतन भाई ये दिया जाएगा 6400 से लेकर 20200 ग्रेड पे आपको 3700 मिल जाएगा। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लास्ट वैकेंसी आपको मिल रही है क्लर्क की, तो नगर पालिका में ये क्लर्क की वैकेंसी भी आई हुई है और नोटिफिकेशन भी विभाग ने आज ही जारी किया। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड नहीं किया है तो एक लाइक बनता है के लिए। और यहाँ देख सकते हो 10300 से लेकर 34800 ग्रेड पे 3200 दिया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में क्लर्क की पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ एज क्राइटेरिया की, उम्र सीमा क्या रखी गई है, तो यहाँ देख सकते हो 18 से लेकर 47 वर्ष की जो कैंडिडेट्स हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2019 की नगर पालिका की ये फर्स्ट वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट आ चुकी है नगर पालिका में, 10-15 पोस्ट होगी लेकिन ये सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया है वो निकल के आ रही है नगर पालिका में। और जो SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ आरक्षण मिल जाएगा। सिलेक्शन संबंधी डिटेल्स भी यहाँ समझाई गई है और यहाँ जो आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो भी बताया गया है। इंटरव्यू रिटन टेस्ट के साथ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे जैसे कि आप सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा यानी कौशल ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा जो काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे चौकीदार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो चौकीदार के लिए आपको ट्रेड टेस्ट है वो देना पड़ेगा, ड्राइवर के लिए यदि आप कर रहे हो तो ड्राइवर का ट्रेड टेस्ट आपको देना होगा। ये डिटेल्स आपको करनी होगी तो ही आप इस भर्ती प्रक्रिया में सफल हो पाओगे। और हमारे चैनल के माध्यम से अभी तक 1000 वीडियो अपलोड किए हैं मैंने 4-5 साल में, और अभी तक किसी प्रकार की गलत जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। होता क्या है कि आप जो वीडियो है वो लेट देखते हो इसलिए उसकी डेट निकल जाती है। तो सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, और डेली हमारे चैनल को आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, संदीप ज्ञान लगा कि आप सर्च कर सकते हो कि आज हमारी कौन सी नई वीडियो आई है जो जॉब रिलेटेड होगी। जॉब रिलेटेड हमारी वीडियो आपको डेली मिल जाएगी, तो चैनल या यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं संदीप ज्ञान को और हमारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो ओपन कर सकते हैं या वीडियोज जो है वो ओपन कर सकते हैं, ताकि आप
को सरकारी नौकरी मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है सबसे पहले दिखाई जाती है, और वो भी सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस हम इसलिए दिखाते हैं ताकि आप भर्ती प्रक्रिया की अच्छी से तैयारी कर सके, और इसमें यह हो सके कि कैसे इसमें आपका किस प्रकार का सिलेबस आएगा वो डिटेल्स भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाई जाती है। और इसके बाद में यहाँ नोटिफिकेशन संबंधी डिटेल्स भी आपको बताई गई है। अब यह हम बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है, कितनी कितनी पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। सीधा हम आपको पोस्ट डिटेल्स पर लेके चलते हैं, यहाँ देख सकते हो क्लर्क की पोस्ट क्या मिल रही है आपको। क्लर्क की पोस्ट देख सकते हो ग्रुप सी में टोटल 24 पोस्ट आपको मिल रही है। लाइनमैन की यहाँ आपको केवल एक पोस्ट मिल रही है, असिस्टेंट लाइनमैन की दो पोस्ट मिल रही है, और यहाँ देख सकते हो ग्रुप सी की टोटल 32 पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। और यहाँ ग्रुप डी में 350 पोस्ट आपको मिल रही है। यहाँ डी ग्रुप से सबसे बड़ी पोस्ट जो है निकल के आ रही है। ग्रुप सी और डी का यदि हम टोटल करेंगे तो 350 पदों पर रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं। और यहाँ बताया गया है यानी सफाई कर्मचारी की सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको मिल रही है, 253 पोस्ट यहाँ सफाई कर्मचारी की आपको मिल रही है। और यहाँ भर्ती संबंधित जो आरक्षण चार्ट है वो भी विभाग ने आपकी सुविधा के लिए यहाँ दे रखे हैं। और हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर सीधा आपको ले चलते हैं। तो यहाँ कलर के लिए आपको होना है बैचलर डिग्री यानी कि बीए। इसके बाद में लाइनमैन के लिए जो है यहाँ देख सकती हो माली के लिए 8वीं पास, मिडिल पास यानी मिडिल पास विथ पंजाबी लैंग्वेज, यह पंजाब से वैकेंसी आपको मिल रही है, तो आपको थोड़ी बहुत पंजाबी यदि आती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वैसे एक नॉर्मल भाषा है पंजाबी, आप बोल सकते हो। और पियोन के लिए भी यहाँ देख सकते हो मिडिल पास है यहाँ, और मिडिल के साथ साथ पंजाबी लैंग्वेज आना अनिवार्य है। तो पंजाब से रिक्रूटमेंट निकल रहा है। और इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे हम आपको सीधा यहाँ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिसको डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करनी आती है, तो वो यहाँ देख सकते हो ये इसकी डिस्क्रिप्शन जो है लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट यहाँ देख सकती हूँ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये रिक्रूटमेंट संबंधित लिंक है। यदि आप इस पे जाओगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे क्योंकि बड़ी जॉब आई है नगरपालिका में और सभी राज्यों में जल्द वैकेंसी आने वाली है नगरपालिका में, क्योंकि राजस्थान के बाद हरियाणा के बाद पंजाब में वैकेंसी आ गई है, तो सभी राज्यों में ये वैकेंसी आना स्टार्ट होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।